लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुवार को अज्ञात नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब लुलु मॉल प्रशासन ने नया नोटिस जारी किया है। मॉल में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल एक नोटिस लगाया गया है जिसमें यह साफ लिखा गया है कि इस मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना पर रोक है। आपको बता दें, बुधवार को सोशल मीडिया पर लुलु मॉल का एक वीडियो सामने आया था जिसमें टोपी पहने कुछ लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर जमकर विवाद हुआ था। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया था कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मॉल के अंदर अब सुंदरकांड का पाठ होगा। गुरुवार को कुछ हिंदू महासभा के सदस्यों ने मॉल के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने आरोप लगाया था कि लुलु मॉल के अंदर विशेष समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। हिंदू संगठनों का ये भी आरोप था कि मॉल में काम करने वाले लोगों में 80% मुसलमान हैं, जबकि सिर्फ 20% हिंदू हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। उधर प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा कि लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है और मॉल के अंदर किसी तरह के धार्मिक कार्यों की इजाजत नहीं है। शुक्रवार को पुलिस से बातचीत के बाद हिंदू संगठनों ने मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ टाल दिया। हिंदू संगठनों को पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वहाँ सैकड़ों कैमरे लगे हैं, उन कैमरों में कि जो नमाजी थे उनको चिन्हित करने के लिए कुछ समय दिया जाए, और एडीसीपी साहब ने कहा जब वो चिन्हित हो जाएंगे तो उनको पकड़ने के लिए हमको कुछ समय दिया जाए। तो इन बातों को लेकर के फिलहाल इस कार्यक्रम को आप कैंसिल कर दीजिए, तो हम लोग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि लगभग कितने दिन लगेंगे, तो कह रहे जल्द से जल्द, इसका मैं आपको वचन दे रहा हूँ, इनको अरेस्टिंग करूँगा, क्योंकि ये प्रदेश की साख का सवाल है, एक प्रतिष्ठा का सवाल है, एक मॉल की बदनामी का सवाल है। हजारों करोड़ में मॉल बना है, तो निश्चित तौर पे इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपकी जीत इसी में है कि आपने जो बात कही थी कि वहाँ उपासना दोबारा ना की जाए, उस शर्तों को उन्होंने मान लिया है, और एक पोस्टर भी उन्होंने मुझे दिखाया कि उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस लुलु मॉल में किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है पूजा पाठ या नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यहाँ पर केवल खरीदारी के लिए मॉल ये जो बना है, मनोरंजन के लिए बना है, उस पे आए लोग और इसका आनंद लें और अपने अपने घर जाएं। आपको बता दें कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में लुलु मॉल के प्रबंधक की तरफ से अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में धारा 153A, 296A और 341 लगाई है। मॉल संचालन से जुड़े लोगों का दावा है कि मॉल के अंदर नमाज पढ़ने वालों में से ना तो कोई मॉल कर्मचारी है और ना ही किसी का उनसे कोई संबंध है। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है, किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं।